पूर्वजों का जमीन था, जी उनके जो मतलब बेटा है वो जीवित ही है जीवित अभी, है, उनका उम्र कितना है? 50 से 60 साल। नहीं, साठ देखिए सत्तर सबसे साल पहली बात ये कि जहां पर उनके जीवित सदस्य मिल गए वहीं पे वंशावली को जो रोक देना है, ठीक है, उसके अच्छा आगे नहीं बढ़ना है, वंशावली वहीं पर ठीक होगी। है। शहर में रहते हैं तो वो ऑनलाइन जो है बेसिकली ज्यादातर वही सोच के बनाया गया, जो लोग बाहर है वो लोग वहां से भी स्वयं घोषणा कर सकते हैं। घर पे आने की जरूरत नहीं है, जी नहीं है जरूरत, खाना पूर्ति में आना पड़ेगा ना। खाना पूर्ति में भी आएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। नहीं आएंगे तब भी नहीं काम आएंगे होगा, फिर भी हम लोग जो पेपर वो दिए है उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या है, जमीन नहीं है स्थिति क्या है, उसके आधार पर सर्वे किया जाएगा। अच्छा एक के बाद नहीं, जो हमारा पेपर कह रहा था उस हिसाब से रकबा नहीं है या कुछ ऐसा और भी प्रॉब्लम है, तो त्रुटि के लिए आप उसमें सुधार के लिए आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति आप कर सकते हैं, कानून स्तर पर उनकी सुनवाई होगी, ठीक है। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। बिहार में जमीन सर्वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है, डर है, भय है कि जमीन सर्वे कैसे हो। इस सब को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उस शख्स के साथ वीडियो बना रहा हूँ जो जमीन सर्वे का ही काम करे, सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। अभी होलीडे में घर आए हुए हैं, इसलिए आज इनसे हम खास बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि फार्म कैसे बनाएगा, वंशावली कैसे बनाएंगे हम खुद से, और आपका जो कंप्लेन है, जो इशू है, दिक्कत है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो सभी लोगों को शेयर करें कि सभी को जानकारी हो जाए कि जमीन सर्वे में क्या कुछ होता है। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर कार्यरत हूँ सारण जिला में। अच्छा, ये जो विशेष सर्वे होने जा रहा है पूरे बिहार में, जी एक तरह से ये सर्वे क्या है और इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है? लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इसको लेकर के। जी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल्स में। सर्वे की प्रक्रिया में प्रपत्र 1 जो है वो उद्घोषणा है, ठीक है। इसमें बेसिकली यही बताया जाता है कि अपने अपने जो आपका खेत है उसको पैमाइश करा लें, अगर इधर उधर चला गया है, ठीक है, जोत करने में इधर उधर चला जाता है उसको भी ठीक कर ले आप, अपना अपना जो मेर है उसको ठीक कर लें। सरकारी कर्मचारी आएंगे, सर्वे का काम करेंगे, किसी भी तरह का उनको बाधा या अड़चन उत्पन्न न करें, उनका सहयोग करें, इसमें यह बोला जाता है, उद्घोषणा है ये प्रपत्र 1। प्रपत्र 2 में है स्वयं घोषणा, उसमें आपको अपने जमीन जो भी आप धारण करते हैं उसका आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, प्रपत्र 2 में। प्रपत्र 2 हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन। जी सेल्फ डिक्लेरेशन हुआ एक तरह से, आप उसमें अपने जो भी भूमि आप धारण करते हैं उसके का अधिकार आपको है, उसका फॉर्म भर के दीजिएगा। प्रपत्र 2 में जो है फॉर्म है, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या भरना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ जिससे सब ताकि सब लोगों को आसानी हो इसको जानने में कि कैसे भरना है। सबसे ज्यादा फॉर्म भरने में दिक्कत हो जी, सबसे ज्यादा समस्या इसी में आता है। सबसे पहले है राजस्व ग्राम, जो भी आपका ग्राम है उसका नाम डालिएगा, जैसे भरवारा है तो भरवारा डाल दीजिएगा। थाना नंबर सबका अलग अलग होता है, 71 है, अलग अलग सबका होता है, ठीक है। पुलिस थाना, जो आप पुलिस थाना जिसके अंतर्गत आप आते हैं, जहाँ पे आपका है अंचल ब्लॉक उसमें डाल दीजिएगा। जिला रैयत का नाम, इसमें एक चीज ये है, ये हल्का नंबर वाला जो कॉलम है वो पंचायत में जो है एक नंबर होता है, सबका अलग अलग होता है, पूरे पंचायत का होता है। अब एक मौजा में अगर चार, एक पंचायत में अगर चार मौजा है, ठीक है, तो उसमें आप उसका एक ही नंबर होगा और उसका ये नंबर डाल दीजिएगा। नहीं भी पता है तो वो हम लोग देख लिया जाएगा, हल्का नंबर नहीं भी भरेगा देख लेंगे, क्योंकि वो तो पता चल जाता है ना, जो भी अमीर रहेंगे उनको ये सब मालूम रहता है। उसके बाद है एक नंबर में रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं उसके सहित साथ में और पिता का भी नाम डालना है, ठीक है। यानी कि रैयत मतलब ये है कि जो उनके अब, जैसे अगर पूर्वजों का जमीन है तो अब जो उनके वर्तमान में जो उत्तराधिकार है, जी उत्तराधिकारी का नाम इसमें डाल देना है, सौ पिता का नाम भी डालना है उसमें, ठीक है। अस्थाई पता 2 नंबर में है, तो वो तो आपका बेसिकली एड्रेस हो गया, सब जानते हैं वो। खाता है, खेसरा है, वो भी मेंशन रहता है आपके डॉक्यूमेंट्स पर। रकबा है जो कि एकड़ और डिसमिल में डालना है, ठीक है। और चौहद्दी है, वो आपको अगर हाल चौहद्दी मालूम है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं मालूम है तो जो उसमें मेंशन है वो डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, जो मेंशन है दस्तावेज वो डाल दीजिए। किस्म जमीन, खेती है मतलब जो 2 फसला 1 फसला, मकान में सहन अलग अलग तरीका का होता है, उसमें वो डाल दीजिएगा। शेष को छोड़कर लगान, अगर ये पता है उसमें, अगर रसीद आपके पास है तो उसमें रहता है, 5 वर्ष का कटा है, अगर 75 रुपया कटा है तो मान लीजिए 1 साल का 15 रुपया हुआ तो वो उसमें डाल दीजिएगा, नहीं भी पता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। जहाँ बंदी संख्या, वो आपके उसी रसीद पे ही रहता है मेंशन, जहाँ बंदी संख्या डाल दीजिएगा।
जमाबंदी संख्या किसी के पास नहीं है तो जमाबंदी संख्या नहीं है तो उसका सुधार कराएं आप जी, कर्मचारी से मिल करके तो सुधार कराएं अपने हल्का के कर्मचारी से मिल करके। वो हो गया भूमि पर दावा का आधार, उत्तराधिकार में मिला है या दान में मिला है या आपने खड़े किया है या जमीन बंदोबस्त सरकार ने खुद किया है वो है। उसके बाद अभियुक्ति कॉलम है, अगर इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना है, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देना है इस जमीन पर केस चल रहा है वाद है तो उसमें आप दे सकते हैं, नहीं तो उसमें कुछ नहीं देना है, छोड़ दीजिए वो, ठीक है। नीचे रैयत तो, रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उस पर लगा देना है। रैयत मतलब जो भी जिस जिनका भी नाम है उस पर वो सब का साइन करेंगे, ठीक है। जो भी वर्तमान जितना भी होगा जी जी सबका साइन चाहिए, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, ठीक है, डेट वगैरह सब बता दीजिए। ये था प्रपत्र दो। अब है प्रपत्र तीन में वंशावली, प्रपत्री ने एक वंशावली, इसमें जो वंशावली आपने बनाया है, ठीक है, उसमें जो नाम जो मतलब जीवित जिनका अधिकार वहां पहुंच रहा है उस जमीन पर उनका नाम इसे भर देना है, ठीक है, नीचे उनका साइन भी सबका करा लेना है, ठीक है, नाम है। बाकी उसके बाद वही है, अंचल है, राजस्व ग्राम है, ये सब तो वही है, डाल ही दीजिए जो दो में डाले उसी टाइप का इन्फॉर्मेशन है, ये डाल दीजिएगा। प्रपत्र दो और तीन यही था। अच्छा, वंशावली को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, जो लोग काफी परेशान है कि कैसे बना, कोई बोला मजिस्ट्रेट से बनेगा या सरपंच निर्गत करेगा, इसको लेकर के क्या कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है थोड़ा साझा करें। देखिए, वंशावली के लिए जो पूर्व में जो नियम जो सरकार ने बनाया था कि कोर्ट से नोटिस एफिडेविट कराइए, उसके बाद जो वंशावली का फॉर्म आता है 6 पेज का रहता है लगभग, उसमें जो है फॉर्म पूरा भर करके वार्ड मेंबर का, उप सरपंच का, सबका साइन करा के, चौकीदार का, ये सब करा कर करना। लेकिन अभी का जो गाइडलाइंस आया सरकार का, उसमें इस बात का क्लियरेंस हो गया है कि अब आपको स्वयं घोषणा करना है वंशावली का। आप एक सादा पन्ना लीजिए, ठीक है, सादा पेन लीजिए आप, उसमें आप जिनके नाम से जमीन है उनके नाम से शुरू करिए, ठीक है, और उसका ट्रिप बना करके जो भी वर्तमान में जो मतलब जीवित सदस्य है सबका आखिरी में नाम रहेगा, जहां पे अगर कोई जीवित सदस्य मिल गया उसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, वंशावली में इस बात का ध्यान रहे। अगर बाप अगर जिंदा है, पिताजी अगर जिंदा है तो वहीं पे आकर रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाना है कि उनके बेटों का नाम दे दिया जाए, ठीक है, ऐसे बना लेना है। और जो भी उनका नाम जो जीवित सदस्य है वंशावली में, नीचे सबका साइन जरूरी है, बाकी उसमें सरपंच और सभा कोई साइन की जरूरत किसी का जरूरत जी नहीं है। अभी सादा पेपर बना के अभी जो आया है गाइडलाइन उसके हिसाब से बना, नया वाला हम जी नया वाला, क्योंकि उसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही थी हम लोगों को, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। और आगे जो लोग परेशान है, जिस तरह से देखा जाता है जिनके पास कोई जमीन का पेपर नहीं है, हम मान लीजिए जो काफी समय से रह रहे हैं अपने जमीन पर, और उनके लिए क्या कुछ प्रक्रिया, क्या उसको सरकार भगा दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जमीन का अगर आप उत्तराधिकारी आप दिखाते कि मैं ही हूँ इस जमीन का हकदार, ठीक है, तो आपको कुछ कोई दस्तावेज भी होगा, ठीक है, हम मानते हैं कि आपका गुम हो गया या फिर नहीं मिल रहा है या फिर जल गया फट गया, तो उसका कॉपी रहता है, आप जिला में जाइए, वहाँ जिला रिकॉर्ड रूम में सबका कॉपी मिल जाएगा, उसका लगाइए, इसमें कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा ना, आपका जमीन है तो आप तो दिखाइएगा ना डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रक्रिया बता दीजिए पहले, फिर हम लोग सवाल करेंगे जी। तो जैसा कि हमने बता दिया प्रपत्र एक दो और तीन, ठीक है, अब आते हैं, जब तक आप लोग दो और तीन फॉर्म भरिएगा फिर हम लोग त्रिसीमाना का और बाउंड्री का मिलान करेंगे, ठीक है, वो बेसिकली जो सर्वेक्षण अमीन होते हैं उनका काम होता है कि वो सबको मिलाएंगे, ठीक है, अपना सीमाना का निर्धारण करेंगे, बाउंड्री लाइन को निर्धारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है किस्तवार, ठीक है, हम लोग किस्तवार में आपके हर एक प्लॉट का नंबरिंग करेंगे, ठीक है, हर एक प्लॉट का नंबरिंग करेंगे, उसको तैयार करेंगे, फिर नक्शा को बना जो बना हुआ आएगा उसमें नंबरिंग डाल देंगे, उसको फिर एजेंसी को भेजेंगे, क्योंकि सरकार ने इसके लिए एजेंसी हायर किया हुआ है, ठीक है, तो वो फिर नक्शा बना के हमें भेजेगा फाइनल करके। इसका काम हम जो करेंगे उत्तर से, उत्तर दिशा से शुरू करेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू करेंगे नंबरिंग करना, ठीक है। उसके बाद होगा खानापुरी, ठीक है, खानापुरी में आपका प्लॉट का हर एक पेपर ओरिजिनल सब जितना भी सब चेक करेंगे, ठीक है, भूमि के स्वामित्व का निर्धारण उस समय करेंगे कि रियलिटी में कौन है उसके मतलब हकदार कौन है, ठीक है, सारा डाटा को हम लोग नेट पे भी डाल देंगे। खानापुरी और किस्तवार सर्वे में ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें सब लोग मौजूद रहे ठीक रहेगा, प्लॉट पे जब लोग किस्तवार में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें फायदा है लोगों का, ठीक है।
सारा डाटा को नेट पर एंट्री कर देंगे, है ना। खतियान का भी विवरण उसी में डाला जाएगा, उसी समय डाला जाएगा खानापुरी में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो। प्रपत्र 7 में LPM लैंड पार्सल मैप है, ठीक है। जब ये सब हम लोग कर देंगे तो लैंड पार्सल मैप मिलेगा, ठीक है। हम लोग सबको लैंड पार्सल मैप देंगे, सब रैयतों को, उसमें सब मिला लेगा, ठीक है। क्या हमारा रकबा गलत तो नहीं ना है, जितना हमारा पेपर बता रहा है उतना एग्जैक्टली है कि नहीं है जी, इसका वो देख लेंगे। अगर उनको लगा कि नहीं जो हमारा पेपर कह रहा था उस हिसाब से रकबा नहीं है या कुछ ऐसा और भी प्रॉब्लम है, तो त्रुटि के लिए आप उसमें सुधार के लिए आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति आप कर सकते हैं, कानून स्तर पर उनकी सुनवाई होगी, ठीक है। ये आपको पर्चा मिलने के 15 दिन के अंदर करना है। हर एक दावा आपत्ति का अलग अलग निर्धारण टाइम होता है। अब ये नहीं कि पर्चा आपको मिल गया, कुछ उसमें गलती भी है तो आप उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आपका काम है, वो आपको देखिए। अगर आपको लगा कि कुछ अगर उसमें है मिस्टेक तो आप उसको दावा आपत्ति करिए प्रपत्र 8 में, जिसका सुनवाई करेंगे कानून वो साहब, ठीक है। उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक है, तो प्रपत्र 14 में करिए, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर उसका सुनवाई होगा, ठीक है। इसमें भी किसी प्रॉब्लम से अगर सुनवाई नहीं हुआ या फिर कोई दिक्कत आ गई किसी तरह का, तो फिर आप प्रपत्र 21 में बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर करिए, जो जिला में एक ही होते हैं उनके स्तर पर करिए, उनके स्तर पर सुनवाई होगी। ये सब करने के बाद प्रपत्र 22 में हम लोग खतियान लागू हो जाएगा, खतियान का प्रारूप का प्रकाशन हम लोग कर देंगे। यही 22 स्टेप में सर्वे का प्रक्रिया था। अच्छा, एक अब देखा जाए, एक चीज है कि अगर आपके जमीन पर अगर कोई वाद दायर है, कोई केस चल रहा है, ठीक है, और कोर्ट में अभी भी उसका प्रक्रिया चल ही रहा है, तो उसपे हम लोग उसका सर्वे नहीं करेंगे और इसी कॉलम में उसका विवादित डालेंगे, क्योंकि जब एक सक्षम न्यायालय से उसकी सुनवाई हो ही रही है तो दूसरा कोई उसमें दूसरा कोई भी मतलब उसमें नहीं जाएगा। और एक और मेरा सवाल, हाँ, यदि आपको अगर मान लीजिए कि केस हुआ था, ठीक है, कोई आदेश मिला आपको कोर्ट की तरफ से, तो वो आपके पक्ष में है तो फिर आप उसको लगाइए फॉर्म पर, पेपर पर लगाएंगे तो हो जाए। तो भंसावली में अगर कोई सपोज टू बी अपना जो जो उत्तराधिकार है, जो वंशज है, उसका नाम अगर कोई छुपा ले, इनकेस छुपा के अगर वंशावली बना लिया और दे दिया, तो उसका क्या प्रक्रिया? सबसे पहली बात है कि वंशावली जो वो बनाएंगे तो उसमें सबका नाम देना है, ठीक है, बेटा बेटी सबका नाम देना है। उसके बाद जब जमा करेंगे अपने विशेष संरक्षण अमीन के पास, जो है चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से करे या शिविर में जाके जमा करे, वो अमीन के पास आएगा, फिर वो आकर के ग्राम सभा में इसको पारित करेंगे, ठीक है। उस समय उसका पूरा जांच किया जाएगा कि क्या ये सही में किसी भाई का नाम तो नहीं छुपाया है, किसी बहन का ही तो नाम नहीं छुपाया है, और उसके बाद भी अगर वो छुपाया हुआ है तो जो जिसका नाम नहीं दिया वो उस पर आपत्ति दायर करे। अच्छा, उस पे अगर ऑब्जेक्शन करे, कहीं नहीं होगा रिजेक्ट। अच्छा, आखिरी सवाल, नाम नहीं, नाम आप नहीं किसी का वो। अच्छा, आखिरी सवाल पे आते हैं, यहाँ जैसे ये जो अभी सर्वेक्षण हो रहा है, बिहार में भूमि सर्वे हो रहा है, इससे आमजनों को क्या लाभ होगा और क्या हानि? आमजनों को लाभ ये है कि अब जैसे कि किसी के पूर्वजों के नाम की जमीन, परदादा के नाम से जमीन है या उससे भी पीछे के पूर्वज का जमीन है, तो अब जो उनके वर्तमान जीवित सदस्य हैं, जो उनका उत्तराधिकार है, जो उनके उत्तराधिकार हैं, उनके नाम पर खतियान बन जाएगा, जमीन अपडेट हो गया, ये फायदा हुआ, फिर से नक्शा जो है बन जाएगा फ्रेश, नंबरिंग हो जाएगा, ये सब तो फायदा ही है। जैसे बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसमें पेपर में 1 कट्ठा 10 धूर या 12 धूर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन जब हकीकत जमीन पे उतरते तो वो 1 कट्ठा ही रहता है, उसका बहुत सारा, तो कहा 10 धूर वो उसको कहा गया। इसलिए सरकार जो पहले आपको कह रहा है कि प्रपत्र 1 में जो घोषणा कर रही है कि अपना अपना जमीन का जो पैमाइश है वो करवा ले, आर मेर जो भी गलत है, यानी आरी और मेर जो भी गलत है उसको ठीक करा ले, पहले से ही सही, पहले से ही सही करा ले, आपका दखल कब्जा देखा जाएगा, सर्वे में दखल कब्जा भी बहुत माने रखता है, मतलब आपके पास जितना कब्जा बस उतना ही का सर्वे करके जाएगा जी, ऑफकोर्स आपके पास जितना कब्जा या तो फिर आप उसको ठीक करिए, और आपका अगर पेपर बोल रहा है ज्यादा का, ठीक है, यानी 1 कट्ठा 10 धूर है, आपके कब्जा में 1 ही धूर है, लेकिन पेपर आपका 1 कट्ठा 10 धूर है, तो हम लोग उसके नाम से 1 कट्ठा 10 धूर का खतियान बनाएंगे, ठीक है, उसका वो जाकर के अपना केस करें, जो भी है जी, कोई भी विशेष संरक्षण अमीन जो होंगे वो आपको लड़ करके तो आपको जमीन दिलवाएंगे, आप उनसे लीजिए, आप अपने स्तर से उसे बात करिए, अगर वो नहीं देता तो फिर आप आगे बढ़िए कानूनी कार्रवाई की तरफ। अच्छा, बहन है अपना भाई के हिस्से में नहीं लेना चाह रही है जमीन, अच्छा, अगर उसके लिए बहन क्या बना के दे?
बहन को जो है एक मतलब सहमति पत्र बनाना पड़ेगा कोर्ट से, उसमें वो लिख के देगी मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा जमीन को तमाम भाइयों में बांट दिया जाए, और वो अपना पूरा उसमें जो होता है लाइनिंग पूरा लिख करके स्टेटमेंट दे और सिग्नेचर करके दे दे। अच्छा, जो शहर में रहते हैं उनके लिए क्या कुछ? शहर में रहते हैं तो वो ऑनलाइन जो है बेसिकली ज्यादातर वही सोच के बनाया गया, जो लोग बाहर है वो लोग वहाँ से भी स्वयं घोषणा कर सकते हैं, घर पे आने की जरूरत नहीं है। जी नहीं है जरूरत, खानापूर्ति में आना पड़ेगा। खानापूर्ति में भी आएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। नहीं आएंगे तभी नहीं आएंगे, फिर भी हम लोग जो पेपर वो दिए है उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या है, जमीन नहीं है स्थिति क्या है, उसके अंदर फिर सर्वे किया जाएगा। अच्छा, केवाला किसी ने करा लिया है 5 साल 10 साल या 20 साल 25 साल हो गया है, केवाला खाली कराए हुआ है, रजिस्ट्री कर चुका है, और उसने जब अभी तक अपना दाखिल खारिज नहीं कराया है तो उसको रसीद भी नहीं कर रहा है, तो केवाला के बेस पे सर्वे हो जाएगा उसका? देखिए, अभी जहाँ तक उद्घोषणा का सवाल है, मतलब स्वयं घोषणा का सवाल है, तो स्वयं घोषणा में आप कर सकते हैं, आपके पास जो साक्ष्य है उसके साथ प्रपत्र दो लगा करके, अगर पूर्वजों का है मर गए जिनके नाम से है तो आप उसमें 3 नंबर भी लगा करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हम तो इतना कहेंगे कि दाखिल खारिज आप करा लें, वो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि खानापुरी में और बेसिकली जो हम लोग अभी का टाइम चल रहा है 3-4 महीना का गैप रहेगा। अच्छा, 3-4 महीना रहेगा, बीच में टाइम है। नगर पंचायत में आने आने कितना कब तक सर्वे होगा उसका तो कोई निर्धारित कोई टाइम है नहीं, निर्धारित नहीं किया गया पहले से, लेकिन मान लीजिए कि कम से कम 1 साल 6 महीना 8 महीना तो लगेगा नगर पंचायत में। अच्छा, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम का कोई वो नहीं है समय सीमा। किसी का बाप अगर देहांत हो गया, इंतकाल कर गया, खतियान उसके बाप के नाम से, ठीक है, और उनका उम्र भी 60-70 साल या 80 साल हो गया है, तो वो अगर चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट अपने बेटा को ये जमीन जो है सर्वे करा दूं, मतलब कि पूर्वजों का जमीन था जी, उनके जो मतलब बेटा है वो जीवित ही है, जीवित है, उनका उम्र कितना है? 60 साल। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जहाँ पर उनके जीवित सदस्य मिल गए वहीं पे वंशावली को जो रोक देना है, ठीक है, उसके आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर उनको इतना ही है कि मेरे बेटा सबके नाम हो जाए, मेरे जीते जी, तो फिर आप उनको केवाला कर दीजिए, केवाला जी लिख दीजिए जमीन, कैसे करेंगे? उनका जमीन तो आपका हुआ, आप जिंदे हैं, आपके जीते जी आपके बेटा का कैसे खाता खोल दिया जाएगा या खतियान बना दिया जाएगा? ये तो गलत है ना, जीते जी कैसे बना दिया जाएगा? बाप का जमीन है बेटा के नाम से, ठीक नहीं, केवाला हो जाएगा, केवाला कर देंगे ऐसा तो कोई मतलब आदेश ही नहीं करने का। आप अपने बारे में पूरा बता दीजिए, कहाँ आप कार्यरत है अभी? वैसे तो हम कार्यरत है सारण जिला में, ठीक है, विशेष सर्वेक्षण के पद पर, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर। तो अभी हम यहाँ पे होलीडे में आए हुए थे, आप लोगों ने बोला कि ठीक है। अपना कीमती देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।